दोस्तों टैली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम करने वाले हैं टैली का पहला प्रैक्टिकल वीडियो। इस वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे आप गूगल पे जाके बड़े ही इजी तरीके से टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ ही पहला प्रैक्टिकल करने के लिए आपको क्या स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसी के साथ हम समझेंगे कि टैली में आप खुद की कंपनी कैसे क्रिएट करोगे, साथ ही उसको कैसे अल्टरेशन करोगे। अल्टरेशन इन द सेंस डिलीट करना, एडिट करना या फिर मैनेज करना, आप ये सारी चीजें कैसे करेंगे वो हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। अब अगर आप इस वीडियो को यानी कि टैली कोर्स के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैली के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस बन चुकी है जिसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक को कवर किया है। अब अगर आप नॉन कॉमर्स फील्ड से हो तो आप ये बात जान लीजिए कि अगर आप टैली सीखना चाहते हो तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें अकाउंटिंग के बेसिक्स होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए आपको अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए। वही अकाउंटिंग की नॉलेज टैली के जो पहले की वीडियोज है यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वीडियोज है जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, उन वीडियोज में बारीकी से समझाई गई है। सो मेक श्योर कि आपने उन वीडियोज को देखा हो, अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज को जरूर देखें। सो सीधा आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल। अब सिंपली देखो मैं यहाँ पे गूगल पे आ गया हूँ और यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ ऊपर ये जो स्लाइड आपको दिख रही है इसमें लिखना है आपको टैली ERP9 download.com। ये आपको टाइप करना है, इससे एक प्रॉपर एक ऐसी वेबसाइट खुलेगी जहां पे आपको टैली ERP9 का सॉफ्टवेयर इजिली मिल जाएगा। अब यहां पर आने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिया है कि टैली ERP9 रिलीज 6.6.3 जो कि अभी मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है। तो या तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो अभी लेटेस्ट आया है 26 जनवरी 2021 को जो अपडेट में आया है वो है टैली प्राइम, तो आप जो चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप ये वाला जो लेटेस्ट वर्जन है जो कि अभी सब जगह चल रहा है, बेसिकली यही सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप इस वाले को डाउनलोड करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इस सेटअप को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अभी डाउनलोड होने के बाद जो आपका सेटअप है वो नॉर्मली डाउनलोड हो जाता है और मैंने यहाँ पे इस सेटअप को रखा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब सिंपली आपको करना क्या है कि इस पे क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपसे परमिशन मांगेगा, हमें यहाँ पे करना है यस, और यस करने के बाद इसकी जो इंस्टॉलिंग है वो चालू हो जाएगी। अब यहाँ पे ये नॉर्मली आ गया है तो हम इसे सी ड्राइव में ही, जो हमारा मेन होता है जहाँ पे विंडो हमारी इंस्टॉल होती है, तो सी ड्राइव में ही मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ और बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉलिंग चालू हो चुकी है, तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है और नॉर्मली ये थोड़ा सा समय लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। और आप ये देखिए ये कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हम इसे खोलेंगे तो मैंने यहाँ पे डन किया और डन करने के बाद हम सब कुछ को मिनिमाइज करते हैं यहाँ पे और नॉर्मली आप देख सकते हैं कि टैली ERP9 जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब देखो नॉर्मली जब आप टैली को ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ पे आपसे सबसे पहले ऑप्शन मांगता है लाइसेंसिंग ऑपरेशंस के लिए। देखो जिन लोग की जो कंपनी होती है, जो लोग सीधा सीधा मतलब ऑफिशियल बिहाफ पे वर्क करते हैं उनके लिए उनको जो उनका लाइसेंस होता है वो उनको एक्टिवेट करना होता है। तो अभी हम सीख रहे हैं तो हम सिंपली आएंगे नीचे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे। आपको यहाँ पे आने के बाद एंटर क्लिक करना है। अब यहाँ एंटर क्लिक करने के बाद लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज, तो अभी हमारे पास कोई कंपनी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे अभी एक नई कंपनी क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, देख रहे हैं आप यहाँ कंपनी इन्फो है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट कंपनी का, आपको यहाँ पे जाना है और प्रेस करना है एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करते हो इस तरीके की कंपनी क्रिएशन की विंडो आपके सामने आ जाती है। तो सिंपली जो हमारी कंपनी का नाम है, मान लो हमारी कंपनी का नाम है अमित ट्रेडर्स, तो हमने यहाँ पे अमित ट्रेडर्स लिखा, एंटर किया। मेलिंग नेम में भी हम वही डाल देंगे अमित ट्रेडर्स, फिर हम डालेंगे एड्रेस, तो एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया बरोला सेक्टर 49 और हमने डाल दिया यहाँ पे नोएडा और यहाँ पे हमने डाल दिया नियर बाय जो भी हमारा प्लेस है नियर बाय वर्मा ज्वेलर्स, ये चीज हमने डाली। फिर यहाँ पे ये कंट्री, तो कंट्री हमने डाल दिया इंडिया। स्टेट, तो स्टेट के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे लिखोगे, जैसे मैंने लिखा यू, आप देखिए आपको साइड में सजेशन मिल गया है, तो डाउन एरो की मदद से हमने उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि ये जो नोएडा है वो उत्तर प्रदेश में,
हमने सेलेक्ट किया, पिन कोड हमने डाला यहाँ पर, फिर हम करेंगे एंटर। अब अगर आप फोन नंबर यूज करते हो, यानी कि 0120 इस तरीके से आपने देखा होगा, तो अगर आप ऐसा कुछ यूज करते हो तो आप ये डालिए, अदरवाइज आप मोबाइल नंबर डालिए। तो हमने यहाँ पे डाल दिया और ये मोबाइल नंबर हमने डाला, फिर हमने फैक्स नंबर डाल दिया, ईमेल डालना है ईमेल डाल दिया, जैसे मान लो ईमेल क्या हो सकता है कि amittraders@gmail.com ये डाल दिया। सपोज आपकी कोई बिजनेस वेबसाइट है तो बिजनेस वेबसाइट भी आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल www.amittraders.com ये आप डाल सकते हैं, फिर एंटर करेंगे। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना ही अभी हम पासवर्ड लगाएंगे, जैसे कि अगर आप अपनी कंपनी पे पासवर्ड लगाना चाहें तो आप यहाँ से पासवर्ड लगा सकते हैं, तो ये काम अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली एंटर करेंगे और यहाँ एंटर करते हुए इसको कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये हमने कर दिया इसको एक्सेप्ट और आपकी कंपनी इसी के साथ क्रिएट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है अमित ट्रेडर्स और यहाँ पे हमारी एक कंपनी लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में अमित ट्रेडर्स की कंपनी बन गई है। अब इस कंपनी में जितने भी काम है, चाहे ट्रांजेक्शन मेंटेन या जो भी चीज़ है, वो हम करेंगे, जो कि हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। सवाल ये आता है कि इस कंपनी को आप मैनेज कैसे करोगे। देखो एक चीज़ आपने समझी कि कंपनी बनाते कैसे, अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मुझे इस कंपनी को एडिट करना, जैसे जो अमित ट्रेडर्स है मुझे इसे करना है अमित ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड करना है, तो मैं कैसे करूँ, मैंने तो इसमें फीड कर दिया अमित ट्रेडर्स। इसके लिए आपको क्या करना है, अभी हमारा खुल गया गेटवे ऑफ टैली जहाँ पे आप सारा काम करते हो, और इसके अलावा एक अदर विंडो थी जो जिस पे भी हम काम कर रहे थे, जो था हमारा कंपनी इन्फो। तो वहाँ जाने के लिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है CMP यानी कंपनी और इन्फो, वहाँ जाने के लिए ये शॉर्टकट बता रहा है F3, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे नीचे में एक बार दिया हुआ है, इस बार का मतलब होता है ऑल्ट। अगर सिंगल बार है तो ऑल्ट और अगर डबल बार है तो कंट्रोल। तो यहाँ पे सिंगल बार दिया है तो हम ऑल्ट की को होल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे F3 बटन। जैसे आप ये करते हैं आप देखो कंपनी इन्फो में आप पहुंच जाते हो। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मुझे इस कंपनी को एडिट करना है, यानी जो अमित ट्रेडर्स है इसको चेंज करके अमित ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड करना है। तो इसके लिए आप यहाँ नीचे आएंगे और आपको ऑप्शन मिलता है अल्टर का, अल्टर मतलब अल्टरेशन, यानी कि एडिट करना या फिर डिलीट करना। तो हमने इस पर क्लिक किया और हमने इसे खोला, एंटर करते मैंने इसे खोल लिया। अब यहाँ पर आपको लिखना अमित ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैंने क्या एंटर। जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देखो मेलिंग नेम जो है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। अब आप इसको एंटर करते जाएंगे और ये एंटर तब तक करना है जब तक ये क्या नहीं आ जाता, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं आ जाता। देखो जैसे लास्ट पे मैं पहुँचा और अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है एक्सेप्ट, मैंने कहा यस, और ये करते के साथ ही आपकी कंपनी का जो नाम है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद सवाल आता है कि मान लो मैं आपकी कंपनी बंद करना चाहता हूँ, मान लो यहाँ पे 3-4 कंपनी है और मैं अब इस कंपनी को बंद करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में पहले आ रहा था कोई भी कंपनी नहीं थी, वही करना है, कैसे करेंगे। इसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शर्ट कंपनी और यहाँ पे शॉर्टकट है F1 और नीचे में है एक सिंगल बार। सिंगल बार का मतलब क्या है, ऑल्ट। तो हमने प्रेस किया ऑल्ट, एक उंगली से क्या प्रेस किया ऑल्ट और यहाँ प्रेस करेंगे F1। तो जैसे मैं ऑल्ट F1 करता हूँ आप देखिए वो जो कंपनी थी यहाँ पे वो यहाँ से हट गई है और दोबारा से हम कंपनी इन्फो वाली विंडो पे पहुँच गए। इतना क्लियर हुआ। अब जो कंपनी मैं बना चुका हूँ उसी कंपनी को मुझे खोलना है काम करने के लिए, तो उस कंपनी को खोलने के लिए आपको कंपनी इन्फो में जो ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट कंपनी का, इसे भी हमें एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद दोबारा से हम ये देखिए हमें जितनी भी हमारी कंपनी जो हमने बना रखी है उनकी लिस्ट हमें मिल जाती है। तो अभी मैंने सिर्फ एक सिंगल कंपनी बनाई है जो है अमित ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस पे जाने के बाद हम इसे एंटर करते हैं और ये कंपनी हमारी यहाँ पर खुल जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अभी हमने क्या सीखा कि टैली कैसे ओपन करते हैं, कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को कैसे एडिट करते हैं, कंपनी को कैसे शट करते हैं और कंपनी को दोबारा से कैसे खोलते हैं। अब हम समझेंगे कि अगर मुझे कंपनी को डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो इसके लिए दोबारा से हमें जाना है अल्टर वाले ऑप्शन पे और हमने किया इस पर एंटर और अमित ट्रेडर्स को हमने खोल लिया। अब ये खोलने के बाद आपको शॉर्टकट यूज करना है ऑल्ट, जो ऑल्ट का बटन है उसे एक उंगली से दबाना है और प्लस में दबाना है आपको डी, मतलब प्लस मत दबाना, ऑल्ट और डी को दबाना है। तो इनको हमने दबाया, यहां से हमसे कह रहा है कि क्या आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो हम कर देंगे एंटर। जैसे आप एंटर करोगे आर यू श्योर, यस, और आपकी कंपनी यहां से डिलीट हो गई।
अब अगर मैं सेलेक्ट कंपनी में जाकर दोबारा इस कंपनी को खोलता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मुझे नो कंपनीज ऑन डिस्क यानी कि वो कंपनी नहीं मिल रही है। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि लास्ट टाइम क्या है कि मैंने 15 मिनट 20 मिनट की वीडियोस बनाई और मुझे लगता है कि शायद उतनी लंबी वीडियोस आपको बोर कर रही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि शॉर्ट वीडियोस मतलब कि 5 मिनट 8 मिनट या 10 मिनट तक की वीडियोस ही लेके चलते हैं। तो सिंपली इस वीडियो में आपने ये सीखा कि आपको टैली कैसे इंस्टॉल करना है और टैली से रिलेटेड पहला प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे, कंपनी कैसे बनाएंगे और उसमें एडिटिंग या फिर नॉर्मल चीज़ें कैसे करेंगे। अगली वीडियो में आप सीखेंगे कि कंपनी पे आप कैसे बैकअप लगा सकते हैं, जैसे कि जो कंपनी है अगर वो गलती से डिलीट हो जाती है तो भी हम उसे वापस कैसे ला सकते हैं, ये आप सीखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करते के साथ आप एक कमेंट ज़रूर करें जिसमें आप मुझे फीडबैक दें, साथ ही कोई सजेशन या फिर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू।